सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि क्षमा के क्या फायदे हैं। क्षमा का गुणगान तो बहुत किया गया है सभी शास्त्रों में। कोई व्यक्ति जब किसी के प्रति दुर्व्यवहार कर दे, बुरा सोच ले, बुरा भाव रखे या बुरा कर्म कर दे, तो जब दूसरा उसको क्षमा कर दे यानी उसके प्रति बुरा ख्याल न रखे इस समय के लिए और कहीं भी आगे समय के लिए, उसके लिए कोई दंड की बात ना रखे, उसके मन में किसी प्रकार के बदले की कोई भावना नहीं हो, कोई मलिनता नहीं आए, कोई खोट नहीं आया, उससे मैत्री में संबंध में कोई बिगाड़ नहीं आए, तो वह क्षमा कहलाती है। और क्षमा के फायदे की जो बात है, पहला फायदा तो यही है कि उस व्यक्ति के भीतर में विकार नहीं आया, उसका मन अशांत नहीं हुआ। अन्यथा अगर जो उनमें बदले की भावना होती है, जो शत्रु के खिलाफ अर्थ में प्लानिंग करते रहते हैं, तो उनका मन सदैव अशांत रहता है, वे कभी प्रसन्न नहीं रहते हैं। किसी ने कुछ किया और आपने क्षमा नहीं किया, अपने दिमाग में खोट बना कर रखा हुआ है, उसके प्रति ये गांठ बना ली है, तो इसका मतलब है कि आप में आक्रोश की भावना बढ़ी हुई है, घृणा की भावना बढ़ी हुई है, और वह जो है आपको ही परेशान करती रहेगी, अशांति फिर आपकी नियति हो जाएगी। जो क्षमा नहीं करते हुए कभी शांत नहीं हो सकते, उनमें कटुता बढ़ती जाती है, वो एक जहर की तरह शरीर में फैलती जाती है और उसके शरीर में रोग भी उत्पन्न होता है उसके कारण। जो व्यक्ति क्षमा नहीं करता वह निश्चित ही रोगी हो जाएगा, पित्त का रोगी होगा वह, यानी जिसके भीतर भी आप पित्त का रोग देखते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा गैस, एसिडिटी या बदहजमी, उल्टी आना, चकते निकालना, सर दर्द करना, सर दुखना, नींद नहीं आना, चक्कर आना, इस तरह के जो रोग होते हैं, खून निकलना शरीर से, ये सब जो है बहुत ज्यादा पित्त बढ़ने के कारण हो जाता है। और ऐसा जब होता है, ट्यूबर हो जाना, कैंसर हो जाना, ये सब सब इसलिए होता है कि ये ऐसे लोग क्षमा नहीं करते, जिनमें क्षमा करने की प्रवृत्ति नहीं होती है उनको ये सब रोग होते हैं। यदि आपको इन रोगों से बचना है तो आपको क्षमा करना सीखना होगा। तो इन रोगों से बचने के लिए यदि आप ये सब इन रोगों से आप पीड़ित है, क्षमा करना शुरू कर दीजिए, आप देखेंगे ये रोग समाप्त हो जाएंगे आपके। तो मन में कटुता, मलिनता ये सब नहीं रह जाती है जब आप क्षमा करते हैं, आप में मैत्री भाव, सहयोग भाव, प्रेम भाव का उदय होता है, बढ़ता है, या सामाजिक सद्भावना को भी बढ़ाता है। जब क्षमा आप नहीं करेंगे तो आपका समाज निर्मित नहीं होगा बल्कि समाज विखंडित होने लगेगा, समाज टूटने लगता है और एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना बढ़ती जाती है, अंत में यह दंगा और हिंसा के रूप में प्रवर्तित हो जाती है।
तो क्षमा व्यक्ति का ही नहीं समाज के लिए भी होना चाहिए, या सामाजिक गुण होना चाहिए। तो प्रेम व्यवहार को वृद्धि के लिए, मैत्री व्यवहार की वृद्धि के लिए, समाज की समरसता के लिए, समाज की समृद्धि के लिए, समाज में भाईचारे के लिए यह क्षमा अनिवार्य है। इसका अर्थ यह नहीं है कि गलत बात का विरोध न करें, इसका अर्थ नहीं है। सिद्धांत के प्रति आप जो है, जो गलत सिद्धांत हैं उसके प्रति आप जो है अपने मंतव्य को, अपने वक्तव्य को रख सकते हैं, दे सकते हैं, उसकी आलोचना आप कर सकते हैं। क्षमा का अर्थ यह भी नहीं है कि कोई अत्याचार किया जा रहा है और आप उसको सहे जा रहे हैं, यह क्षमा भी नहीं है। इसकी गिनती फिर कायरों में हो जाएगी, कायरता आ जाएगी। एक बहुत बेहतरीन संतुलन बनाना होता है क्षमा और स्वार्थ में। आप कटुता नहीं रखें, लेकिन जब कोई व्यक्ति या समाज बहुत ही ज्यादा निकृष्ट हो जाता है और जुल्मी हो जाता है, अत्याचारी हो जाता है, और वह उसकी एक हैबिट होती है और उसका एक सिद्धांत भी होता है, यानी दुष्टता का ही सिद्धांत तो वह अपना करके चल रहा है और मानने को तैयार नहीं है, तो वहां पर क्षमा जो है वह सही नहीं है। वहां पर दंड ही सही है, वहां पर दंड ही क्षमा है। तो इस संतुलन को भी समझ लेना चाहिए। जब कोई, क्योंकि आप अन्याय सह करके भी, या जिस तरह से आप अन्याय करके शांत नहीं रह सकते, उसी तरह से अन्याय सह करके भी शांत नहीं रह सकते। अन्याय करना जितना गलत है, अन्याय सहना भी उतना ही गलत है। तो क्षमा के सिद्धांत का कुछ लोग दुरुपयोग भी कर सकते हैं, वे समझ सकते हैं कि ये क्षमाशील है, इसका मतलब है इसके खिलाफ में कुछ भी करो, ये कुछ नहीं करेगा, ये क्षमा कर देगा। जब यह एक फिलॉसफी बन जाए, एक दर्शन बन जाए, और यह विरोधियों के लिए एक हथियार हो जाए, तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। तो इसलिए क्षमा का उपयोग, सदुपयोग, दोनों दुरुपयोग, ये तीनों भी आपको सब जान लेना चाहिए। तो अगर कोई गलती बस कुछ कर देता है, या भावावेश में आकर के किसी तरह से वो कर देता है, तो वहां क्षमा तो है, लेकिन अगर किसी ने प्लानिंग के तहत, सिद्धांत के तहत कुछ किया है, तो और जब उसकी आदत हो गई है, तो क्षमा के लिए नहीं, वो दंड का पात्र है। तो पात्रता भी जरूरी है देखना। तो क्षमा के फायदे हैं, और क्षमा के वास्तविक मीनिंग और इसकी सीमा को नहीं समझने के नुकसान भी है। हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं, तो क्षमा के भी हैं फायदे और नुकसान। तो इन दोनों को समझिए। अत्यधिक जब क्षमाशील हो जाता है, वह या तो कायरता ओढ़ लेता है और अपना बहुत नुकसान कराता है, हो सकता है उसकी हत्या भी हो जाए, हो सकता है उसे अपने परिवार की भी भूमिका निभाने में दिक्कत आ जाए, उसके परिवार के सदस्य भी गहन खतरे में पड़ सकते हैं। तो क्षमा की सीमा रेखा भी हर एक इंसान को चिंतन करके समझनी चाहिए। क्षमा वहीं तक जरूरी है जहां पर उसने गलती से कुछ कर दिया है, आवेश में कर दिया, किसी हिट में आगे कर दिया, लेकिन फिर वह उसके लिए पश्चाताप कर रहा है। तो अगर वह पश्चाताप कर रहा है, वैसे को क्षमा कर देना चाहिए, जब वह गलती को नहीं दोहराना चाह रहा है, अपने में सुधार लाना चाह रहा है, तो ऐसे के लिए क्षमाशीलता एक बढ़िया चीज़ है। लेकिन वह आपकी इस कमजोरी का फायदा उठा करके फिर अभी क्षमा मांग लिया, पता चला कि अगले दिन फिर वह वही काम कर रहा है, फिर आपने पकड़ा, फिर क्षमा मांग लिया, तीसरे दिन भी वही कर रहा है, इसका मतलब है कि
कि वह आपकी क्षमाशीलता को कमजोरी समझ रहा है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे क्या जो विष रहित विनित सरल हो। रामधारी सिंह दिनकर जी ने क्षमा के विषय में ऐसा कहा है, तो यह भी समझ लेना चाहिए कि वो आपकी इसको कमजोरी न समझे, उसमें पश्चाताप की भावना हो तो क्षमा की जाती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या हमसे दूसरे कोई क्षमा कर सकते हैं? अगर हम स्वयं भी कुछ गलती करते हैं तो हम खुद को भी क्षमा कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कोई गलती की, हमने कोई किया किसी के प्रति और हमें क्षमा मांगने का मौका भी नहीं मिला, लेकिन जब हमने बाद में चिंतन किया तो हमें पता चला कि नहीं, हमने गलती की है, तो अब हम उसे खोजने कहाँ जाएं क्षमा मांगने के लिए? तो हमने खुद गलती की है, मूल उद्देश्य तो यह है कि हम सुधर जाएं। हमने जो गलती की है उसे मान लें और उस गलती को ना दोहराएं, या सीख ले लें और उसका अनुपालन करें, तो हम खुद को भी क्षमा कर सकते हैं। अतः हमने खुद गलती की है और हमें इसका अफसोस है, पश्चाताप है, और हम प्रण लेते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, तो हम स्वयं को भी क्षमा कर सकते हैं। और कुछ लोग फिर ऐसा होता है कि किसी देवी देवता की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़ करके खड़े होकर के क्षमा मांग लेते हैं, ईश्वर से क्षमा मांग लेते हैं कि हमने जो भूल की है इसके लिए हमें क्षमा कर दिया जाए, या यदि हम क्षमा करने के योग्य नहीं है तो हमें दंड दिया जाए। हम दंड के लिए भी उपस्थित हैं, तो हम ईश्वर से भी दंड के लिए आग्रह कर सकते हैं और हम स्वयं को भी दंड दे सकते हैं। जो पूर्ण न्याय होते हैं वे स्वयं को भी दंड दे सकते हैं और स्वयं को भी क्षमा कर सकते हैं, या हम स्वयं को कानून के हवाले कर सकते हैं कि हमने यह अपराध किया है, हमें इसके लिए दंड दिया जाए। तो क्षमा खुद को भी किया जाता है, दूसरों को भी किया जाता है। क्षमा मांगनी चाहिए अगर अफसोस है तो दूसरे से भी, शासन प्रशासन से भी, स्वयं से भी, ईश्वर से भी, और इससे हमारे में विनम्रता भी आती है, सज्जनता भी आती है, और हमारा हृदय पवित्र होता है, निर्मल होता है। हरिओम।